खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बाराबंकी की तालियों के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री में अब राजनीतिक चर्चा का दौर। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भैया, जोरदार, बहुत बढ़िया। और आइए परिचय करा देता हूं आज हमारे साथ मंच पर जो मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस से तनुज पुनिया है जो कि उम्मीदवार है लोकसभा बाराबंकी से। तनुज जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बैजनाथ रावत जी हैं, आप एमएलए हैदरगढ़ बाराबंकी से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, बिजली राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत कीजिए बैजनाथ जी का। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हाफिज अयाज जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। हाफिज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीएसपी से तारिक किदवई हमारे साथ है, बीएसपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अब मैं आपसे बैजनाथ जी पूछना चाहूंगा कि आज प्रियंका गांधी भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर जी से जाकर मिलनी है। हालांकि प्रियंका जी ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि अगर कोई मैदान में नहीं आएगा तो मोदी के खिलाफ वाराणसी से वो मैदान में होंगे। क्या कहना है आपका भाई? सो बोले चलने क्या बोले, क्या कहना है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो कहे हम राजनीति करेंगे। आप कह रहे हैं सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। नो चलनी चलनी क्या बोले भाई? जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई जनाधार नहीं, जनसेवा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी कौन? क्या बात कर रहे हैं, मायावती के लिए चुनौती बने हुए हैं चंद्रशेखर, एक अच्छा खासा दलित वर्ग उनके साथ आता है तो उनके लिए चुनौती बने हैं, मोदी के लिए चुनौती नहीं बने हैं। तो फिर मोदी के खिलाफ क्यों मैदान में आना चाहते हैं? अब ये वो चाहते हैं कि मीडिया में आना चाहेंगे, वो केवल मीडिया का प्रचार है उनका, लड़ने को उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मोदी को रोकना चाहता हूं। हां मोदी को रोकना, मोदी को खदेड़ना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तो मांग है कि प्रियंका बने इस बार गंगा की बेटी, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर मैदान में हो सकते हैं। कांग्रेस को अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा पूरा है और किसी बात की कोई पुष्टि नहीं है कि चंद्रशेखर क्या करेंगे। उनसे जाके बस मुलाकात करके आई, बहुत संघर्षशाली हमारे युवा भाई हैं, वो हमारे दलित नेता है एक तरह से, और कांग्रेस पार्टी हर किसी कांग्रेस भी दलितों के लिए कम नहीं करती, तो फिर दलित नेता होने के नाते चंद्रशेखर से मिलने का ऐसे वक्त में, चुनाव से 28 दिन पहले, मतलब क्या है साहब? मतलब ये है कि उनका जो जो दम दिखाया उन्होंने उसको और प्रोत्साहन देना चाहती हैं। प्रियंका गांधी जी चाहे दुश्मन हो, वो बीमार है इस समय, अस्पताल में है, उससे मिलने गई, ये दिखाता है कि वो किसी भी नेता से मिलने जा सकती है और उनकी इज्जत करती है वो जी। अब यहां तो नारे लग रहे थे कि गठबंधन का ये हाल है, आधा नीला आधा लाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर अगर मैदान में आ गए तो मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती होगी या मां बहन जी मायावती के लिए? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर शेरनी बहन कुमारी मायावती जी, मोहतरम अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल ने 78 सीटों पर समझौता किया है और 78 की 78 हम जीतने जा रहे हैं। उस 78 सीट में मोदी जी भी लड़ रहे हैं, मोदी जी कहां से जीत जाएंगे? इसी बात इतनी पर समझौते के गठबंधन और समझौते की राजनीति से मोदी को चुनौती दे पाएंगे क्या? गोरखपुर, नूरपुर, फूलपुर, कैराना उपचुनाव में आपने देखा है मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं, उसी दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चार घंटे का मंथन भी किया है योगी जी ने अपने लोगों के साथ, गोरखपुर वापस चाहिए, फूलपुर वापस चाहिए, सब कुछ वापस चाहिए। ये मंथन कितना भी करें यह जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, चौकीदार चोर है, ये नारे खूब लग रहे हैं। मोदी जी के लिए चुनौती बड़ी है इस बार? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। 2014 के आम चुनाव में जातवाद टूटा था, परिवारवाद टूटा था और जनता चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब जनता का कहना है कि भरोसा टूट गया, मोदी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। ये नेताओं कहना है, ये नेताओं कहना है, जनता का पूरा कहना है। नेता तो मंच पर है, नीचे तो बाराबंकी की जनता है। क्यों भैया, मोदी जी ने भरोसा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं तोड़ा है। ये सब भरोसा कह रहे हैं कि हमारा भरोसा है, ये बोल रहे, ठीक सुना, सब भरोसे वाले है। अच्छा ये सब कह रहे हैं कि भरोसा है। चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूं, जनता का रिएक्शन ले लेता हूं। मोदी से क्या उम्मीद है साहब आपको? अरे मोदी को तो मैं हटाना चाहता हूं, लेकिन किसको वोट दूं, किसको वोट दूं? ये बड़ा सवाल है कि मोदी को हटाना चाहते हैं लेकिन वोट किसको दें? मतलब मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कोई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में। चलिए कौन कौन जी बोलिए। मोदी जी के आगे कोई विकल्प नहीं है और ये सब विपक्षी एकदम बेवकूफ है। अगर वो चोर है तो मुकदमा क्यों नहीं हुआ पूरे देश में? अगर ये मोदी जी ऐसे हैं, ये भाजपा वाले पहले भाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद डेवलपमेंट गिरा, बाबा विश्वनाथ के घर के मंदिर
जिनको देखने दुनिया से लोग आते हैं उनको इन्होंने डेवलपमेंट करा में तोड़ दिया। पीछे से आगे बताइए, मैं आऊंगा आपके पास। देश को बार बार झूठ से बुनियाद पर नहीं चल सकता है। जिस तरीके से कचहरी के अंदर मंजन बेचने वाला झूठ बोल करके मंजन बेच के चला जाता है, उसी तरीके से जनता ने इनको ओढ़ दिया था। बार बार झूठ के बारे में बताने वाला है, जनता उसी को ओढ़ देगी जो विकास की बात करेगी, देश को बचाने की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आम जनता की रक्षा करे। जब वो राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हो सकती है तो एक आम नागरिक की रक्षा कैसे कर सकती है। पहली बार जो बात हुई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया देश में, राजनीति में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। किसान विरोधी है ये सरकार, मोदी सरकार। सेटल हो जाइए आप लोग, मैं उधर चला जाता हूँ, उधर से रिएक्शन ले लेता हूँ। हाँ भैया बोलिए, आराम से बैठे रहो, अपनी जगह पर बैठे रहो। पूरे देश के गठबंधन कार्यधारी और पूरे देश के जितने भी भ्रष्टाचार नेता, उनको चौकीदार का, हमेशा से चौकीदार का भय चोरों को रहा है और आज भी रहा है और कल भी रहेगा। बस एक ही बात कहना चाहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब नामुमकिन है। ये सब जीतने वाले नहीं है। जो इनकी मायावती की इज्जत लूटे उसी पे गठबंधन किए हुए बैठे हैं लोग। मायावती मोदी जी मुंह में गुटखा भरा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी जी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री जी। सर, गांव के लिए दो बुनियादी चीजें चाहिए थी, बिजली और शौचालय। मोदी जी, हमने 3500 रुपए में कनेक्शन करवाया, आज फ्री हो रहा सर, और पूरे देश में हो रहा, पूरे देश में शौचालय। एयर स्ट्राइक पहली बार हुई इस देश में। मैं 47 साल क्या हो गया हूँ, भारत ने हमेशा पाकिस्तान से पिछले 20-25 सालों में मार खाई। अब पहली बार ऐसा हुआ है, ये देश की सेना ने किया है निश्चित रूप से, लेकिन ये देश के नेतृत्व ने भी किया है। और इसके पहले भी अगर हम इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं तो सिर्फ इस नाते कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, और इसका श्रेय हम इंदिरा गांधी को देते। क्या इंदिरा जी स्वयं बॉर्डर पर नहीं गई थी गोली चलाने के लिए? चलिए ठीक है, तो ये यहाँ की जनता मानती है कि मोदी ने एक काम तो अच्छा किया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। छोटी मोटी कमियां भी मानते हैं जनता के दूर कर ली जाएगी। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, मोदी पर भरोसा अब भी कायम है बाराबंकी के लोगों का? बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी मोदी में भरोसा कायम है। नौजवान आज इतना परेशान है, नौजवान को नौकरियां नहीं मिली, 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। नौजवान आज रोजगार के लिए तड़प रहा है। सारे जितने छोटे मोटे जो उद्योग थे, छोटे मोटे व्यवसाय थे, नोटबंदी और जीएसटी के कारण आज बंद हो चुके हैं। किसान परेशान है, हर चीज महंगी हो गई है। आय दुगनी करने का वादा किया था, दुगनी तो नहीं की भाई साहब ने, लेकिन जो खर्चे हैं वो 4 गुने कर दिए। जीएसटी की मार ऐसी लगी है, ये खाद के ऊपर, किसान के उपकरणों के ऊपर, आपके ट्रैक्टर के ऊपर, इतने सारे परेशान है किसान। आज रोड पे उतर के धरना देने जाते हैं तो वाटर कैनन से उनको खदेड़ा जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं उनके ऊपर, किसानों के ऊपर। किसान परेशान है, जवान शहीद हो रहे हैं, जनता खुश नहीं है, बेरोजगार परेशान है, रोजगार नहीं है। कैसे 2019 में मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? कहीं नौजवान परेशान नहीं है और कहीं किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, गोली नहीं खा रहा, और कह दीजिए जवान भी शहीद नहीं हो रहे हैं। ये भी कह दीजिए कि जवान भी शहीद नहीं हो रहे हैं। नहीं, जवान तो हमारे सैनिक, हमारे शहीद तो हो रहे हैं हमारे भाई सैनिकों के बाद, हमने किसानों की बात कही। मोदी जी तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश की सुरक्षा के प्रथम प्रहरी ही सुरक्षित नहीं है। बात तब बिगड़ती है जब कोई घटना हो जाए उसका बदला ना लिया जाए। अगर उन्होंने हमें धोखे सबको मारा तो हमने चढ़ के सर्कल से उनका बदला ले लिया। चोरी क्या, हमने चोर पकड़ लिया तो हमारी सफलता तो हमारे हाथ में है। अच्छा ठीक है, कितने लोग मानते हैं, हाथ खड़े कीजिएगा, कि मोदी जी ने युवाओं के लिए काम किया है? कितने लोग मानते हैं? देखिए भैया, हाथ खड़े करने की बात हुई थी, लगभग सभी के हाथ खड़े। आप कह रहे थे कि युवाओं के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी के पक्ष में हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये माहौल क्या कह रहा है साहब? युवा तो मना कर रहे हैं, आज रोजगार कहां है? कहां मेक इन इंडिया गया जो इन्होंने कहा था? कहां गया इनका स्टैंडअप स्टार्टअप इंडिया? कहां गया स्किल इंडिया? 3 लाख लोगों को 3 साल में नौकरी दे पाए ये लोग, कहां गई नौकरियां सारी? रोज आज नौजवान धरने पे उतरता है, आज मैं देख। चलिए मैं जनता से पूछ लेता हूं भैया, जनता से पूछ लेता हूं। बाराबंकी की समस्या, युवा की समस्या, जिसके पास, अरे आराम से वहीं खड़े रहिए, मैं आ रहा हूं। हां देखिए, अटल बिहारी सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को खत्म किया है और मोदी जी ने भी पुरानी पेंशन को नहीं लागू किया है। और जब तक कर्मचारी खुश नहीं है तो देश का कोई नागरिक नहीं खुश हो सकता है, कोई देश नहीं खुश हो सकता है। इसलिए बीजेपी को पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। अगर नहीं बहाल करती है
तो मोदी और बीजेपी नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक विधायक जो पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है उसको डीआरडीए और लोकसभा गार में अगर जूतों से मारा जाता है तो आप बताएं कि मोदी जी और योगी जी हम लोगों की क्या रक्षा करेंगे? देखिए आज भी हमारी इकोनॉमी 65% किसानों पर डिपेंडेंट है और जिस तरीके से मोदी जी ने 6000 रुपए किसानों को देके 15 रुपए दिन के पे रखा है, इससे बड़ी बेइज्जती किसानों की कभी नहीं हुई है। जबकि राहुल जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मिनिमम वेजेस गारंटी स्कीम लेके आएंगे, किसानों को उनका हक मिलेगा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। पीछे जाता हूँ, पीछे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सिर्फ 5 साल जो है इन लोगों ने जुमलेबाजी की, बाकी इन्होंने कोई काम नहीं किया है। देश रुकवा दिया, विदेशों को देश का पैसा पूरा विदेशों भिजवा दिया मोदी ने, पूरा कंगाल बना दिया देश को। मोदी चोर है, मोदी चोर, योगी चोर, मोदी चोर। ठीक है, ये भी एक विचार है, इसको दबाया नहीं जा सकता। जब लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है, महिलाओं से बात करें तो भैया आपके बीच महिलाएं भी बैठी है, उनका सम्मान कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं ना, सारी जनता कह रही है मोदी चोर है, तो सही बात है, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। अगर चौकीदार चौकन्ना था तो फाइल कैसे चोरी हो गई? माइक मत छीनो, मैं आ रहा हूँ ना। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि उन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए बात की थी, मगर उनको लॉलीपॉप देने का ये मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके एवज में नौजवान इस बार वोट देकर उनको उनकी हैसियत बताने का काम किया। ठीक है, ठीक है, आप ये बताइए कि ये नौजवान अमेरिका से थोड़े आए हैं? बैजनाथ जी ये अमेरिकन नौजवान नहीं है, ये यही बाराबंकी के लोग हैं जो मोदी से रोजगार मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं 2 करोड़ का क्या हुआ, रोजगार देने की बात हुई थी। भाई जो योग्यता, तो योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिल रही है। जैसे प्रतिवर्ष 30,000 पुलिस जवान रखे जाएंगे, ये पकौड़े तलने के लिए भी कोई योग्यता है क्या? पकौड़े तलने के लिए कोई योग्यता नहीं है। आपने कह दिया पकौड़े तले, रोजगार है तो मुद्रा योजना के कारण उन्हें व्यवसाय दिया जा रहा है। मुद्रा लोन योजना व्यवसाय दिया जा रहा है तो उसमें व्यवसाय कर रहे हैं। कौशल विकास योजना के कारण उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो योग्यता रखते हैं पुलिस में भर्ती चल रही है, लेखपालों भर्ती चल रही है, सब तमाम आ रहे हैं। तो जो योग्यता रखते हैं उम्र का बंदा, सैनिकों की पेंशन की बात हुई, किसानों के पेमेंट की बात हुई, ये देखिए सामने से आपकी आवाज उठा रहे हैं। नहीं वो तो नेता लोग हैं, किसान थोड़े, किसान तो गांव में बसता है, जो नेता लोग, नेता लोग बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि बाराबंकी के लोग झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। भैया आराम से रहिए, पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोलिए बोलिए, महिला की बात सुन लीजिए यार, मैं आऊंगा। मोदी जी ने बहुत काम किया है और उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, उन्होंने 5 सालों में बहुत विकास किया है, शौचालय उन्होंने बनाया, कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है, जनधन योजना, कौन सा काम नहीं किया, बहुत विकास किया, सबका साथ सबका विकास किया। ये कह रहे हैं लेखपालों भर्ती हो रही, अभी ओपीसी, अभी जो वैकेंसी निकाला है उसमें ओबीसी को बिल्कुल खत्म कर दिया। अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने दावे, मुझे शो खत्म भी करना है। आखिरी कमेंट आपका, एक मिनट हो जाए भी। मैं भारत निर्वाचन आयोग की आवाज हूं, यूथ आइकान बाराबंकी बनाया गया हूं। मैं सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि वोट डालने जरूर जाए, वोट चाहे जिसे दें वोट डालने जरूर जाए, अपने घर के सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को जरूर ले जाए, वोट डालने जरूर जाए। अगर आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो भी, और अगर मोदी जी ने कहा है महापरिवर्तन करने का वक्त आ गया है तो जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बाराबंकी से आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सफर यहीं तक। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिएगा, राष्ट्र निर्माण में यह आपका सबसे बड़ा योगदान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल राहुल के अमेठी से होगी मुलाकात, जरूर देखिएगा कल 7 से 8 कौन बनेगा प्रधानमंत्री अमेठी से। बाराबंकी बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पर सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू बाराबंकी।